गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए आज की इस वीडियो में ओडिशा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना पर स्किप मत करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह है आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर वन, हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म इन द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा। हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म इन द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा। किसने, ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से किसने जो कि लॉन्गेस्ट टर्म चीफ जस्टिस रहे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर लक्ष्मण नरसिम्हा। याद रखना, आर लक्ष्मण नरसिम्हा ने जो कि लॉन्गेस्ट टर्म इन द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस रहे उड़ीसा की। नेक्स्ट नंबर टू, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ध्यान से सुनना, वाज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा फ्रॉम व्हिच डेट। कौन सी डेट तक जो कि रंगनाथ मिश्रा ने चीफ जस्टिस रहे उड़ीसा की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1981 to 1983 रंगनाथ मिश्रा थे चीफ जस्टिस उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ ए स्टेट वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। द सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ए स्टेट वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई कोर्ट। याद रखना, और ये भी याद रखना, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में स्थित है। नेक्स्ट नंबर फोर, आज पर दी ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मुताबिक द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज हाउ मेनी परमानेंट लोक अदालत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। आज पर दी ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ध्यान से सुनना, द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज हाउ मेनी परमानेंट लोक अदालत। सो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 18। याद रखना, परमानेंट लोक अदालत जो कि 18 रहे उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द लोकयुक्त बिल वाज पास्ड बाय द ओडिशा स्टेट असेंबली इन व्हिच ईयर। द लोकयुक्त बिल वाज पास्ड बाय द ओडिशा स्टेट असेंबली के द्वारा पास की गई थी, कौन सी ईयर में। सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2014 में। द लोकयुक्त बिल वाज पास्ड बाय द ओडिशा स्टेट असेंबली इन 2014। नेक्स्ट नंबर सिक्स, यहाँ सेवन लिखा गया है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द सीट ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। व्हिच डिस्ट्रिक्ट, ये जो ऑप्शन में देख रहा है, उड़ीसा का कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैज द सीट ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कटक में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सेवन, द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा इज सिचुएटेड वेयर इन ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन का आपको आंसर बताया मैंने अभी रिसेंटली बताया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कटक। ओडिशा का हाई कोर्ट कटक में स्थित है, अभी मैंने बताया था रिसेंटली। नेक्स्ट नंबर एट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू हाई कोर्ट टू इश्यू द राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इनमें से जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिव्स पावर टू हाई कोर्ट टू इश्यू द राइट्स। कौन से आर्टिकल से ये मेंशन की गई है। सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 226 में ये मेंशन की गई है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू इश्यू द राइट्स। नेक्स्ट नंबर नाइन, लेटर
लेटर टू एस्टाब्लिश हाई कोर्ट ऑफ पटना वाज इश्यू अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ध्यान से सुनना, इनमें से ये कौन सी सेक्शन लेटर टू एस्टाब्लिश हाई कोर्ट ऑफ पटना वाज इश्यू अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 113। याद रखना सेक्शन 113। सो नेक्स्ट नंबर 10, द सर्किट कोर्ट। ध्यान से सुना ये क्वेश्चन को, द सर्किट कोर्ट ऑफ पटना, द सर्किट कोर्ट ऑफ पटना, पटना हाई कोर्ट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग एट द सर्किट हाई कोर्ट ऑफ पटना, पटना हाई कोर्ट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग एट कौन सी प्लेस में ये हुआ था? कटक में। याद रखना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कटक। द सर्किट कोर्ट ऑफ पटना हाई कोर्ट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग एट कटक। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटोरी और एक्सक्लूडेड। हु कैन एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटोरी और एक्सक्लूडेड। ध्यान से सुनना, ये एक्सटेंड करने वाला कौन है, किसने ये एक्सटेंड कर सकती है? याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पार्लियामेंट। ध्यान से सुनना, जो हाई कोर्ट है, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटोरी को जो कि कोई भी एक हाई कोर्ट के साथ जुड़ सकता है, किसने ये कर पाएगा? जो कि पार्लियामेंट ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 12, अंडर ब्रिटिश रूल ओडिशा वॉज मेड सेपरेटेड प्रोविंस इन व्हिच ईयर। अंडर ब्रिटिश रूल ओडिशा वॉज मेड ए सेपरेट प्रोविंस इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में? ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1936। और ये भी याद रखना, 1936 अप्रैल 1 में ओडिशा जो कि एक न्यू स्टेट बने थे बिहार से अलग होकर। सो नेक्स्ट नंबर 13, ओडिशा हाई कोर्ट वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन व्हिच ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओडिशा हाई कोर्ट कौन सी प्लेस में स्थित है? ये स्थित है कटक में, ओडिशा हाई कोर्ट। और ये इनॉग्रेट की गई थी कौन सी ईयर में? याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1948। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओडिशा हाई कोर्ट जो कि फॉर्मली इनॉग्रेट की गई थी 1948 में। सो नेक्स्ट नंबर 14, द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ, कितने की एज में ओडिशा का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, याद रखना उनको रिटायर की जाती है कितनी एज में? याद रखना ऑप्शन एज तो राइट आंसर, 62 ईयर्स। 62 ईयर्स में ओडिशा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे निकाला जाती है। नेक्स्ट नंबर 15, द सैंक्शन जॉर्ज स्ट्रेंथ ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट इज। सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 27। द सैंक्शन जॉर्ज स्ट्रेंथ ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट इज 27। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2018। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से कौन सी योजना, कौन सी स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2018 में? सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2018 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 17, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ। ध्यान से सुनना,
फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू सब सेंटर सब सेंटर लेवल इज प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू सब सेंटर लेवल इन प्रोवाइडेड इज प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है यूएससी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट नंबर 18, हाउ मच मनी इज गिवेन टू प्रेग्नेंट वुमेन हु विजिट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। इम्पोर्टेंट है, हाउ मेनी मनी इज गिवेन टू प्रेग्नेंट वुमेन हु विजिट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अंडर ड्रॉप बैक असिस्टेंस प्रोग्राम, कितने रुपये दी जाती है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5,000 रुपीज। इनमें 5,000 रुपीज जो कि दी जाती है। नेक्स्ट नंबर 19, अपग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ आंसिलरी सर्विस इन हेल्थ केयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो याद रखना, निर्मला योजना यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निर्मला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द मुख्यमंत्री चक्षु जत्न कार्यक्रम। ध्यान से सुनना, मुख्यमंत्री चक्षु जत्न कार्यक्रम योजना, ये याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द मुख्यमंत्री चक्षु जत्न कार्यक्रम, किससे जाना जाता है, कौन सी स्कीम को? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुनेत्र स्कीम। सुनेत्र स्कीम को जाना जाता है मुख्यमंत्री चक्षु जत्न कार्यक्रम नाम से। नेक्स्ट नंबर 21, खुशी स्कीम इज रिलेटेड टू, ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी स्कीम से रिलेटेड रहे, खुशी स्कीम किसके साथ रिलेटेड रहे? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सैनिटरी पैड्स फॉर गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खुशी स्कीम इज रिलेटेड टू सैनिटरी पैड्स फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट नंबर 22, अम्मा क्लिनिक योजना इज लॉन्च्ड ऑन कौन सी डेट में, ये लॉन्च की गई थी अम्मा क्लिनिक योजना। सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 जनवरी 2018 में ये लॉन्च की गई थी अम्मा क्लिनिक योजना। सो नेक्स्ट नंबर 23, ऑक्सिलरी नर्स, याद रखना, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ विल रिसीव फ्री अनमोल टैबलेट कंप्यूटर्स अंडर कौन सी स्कीम के अंडर रहे ये? सो याद रखना, ऑप्शन बी अनमोल योजना, याद रखना अनमोल योजना के अंडर ये रहे। सो नेक्स्ट नंबर 24, अंडर व्हिच स्कीम फ्री डायलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री डायलिसिस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट। अंडर व्हिच स्कीम, कौन सी स्कीम के अंडर में फ्री डायलिसिस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, कौन सी स्कीम? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सहाय स्कीम। ओडिशा स्टेट की ये स्कीम है सहाय स्कीम, ये प्रोवाइड की जाती है। डायलिसिस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट, फ्री डायलिसिस। सो नेक्स्ट नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव आई केयर टू द पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। कौन सी स्टेट ने पहला स्टेट बने, ये क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जा रहा है।
ओडिशा, याद रखना ओडिशा स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव आई केयर टू द पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, सभी ग्रुप के पीपल के लिए ये ओडिशा स्टेट ने ही लॉन्च की है। सो याद रखना इस सभी क्वेश्चन को, याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी को इसमें डिस्कस की, और ये जितना भी इम्पोर्टेंट स्कीम अभी डिस्कस किया हमने, जो अभी लगभग 9 और 10 हो सकता है, ये स्कीम को जो डिस्कस की ये सभी को याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब आप कोई भी चैनल देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मतलब इसी चैनल में पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट चैनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी को डिस्कस की जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज भी हो सकता है, इसी में डिस्कस की जाती है, याद रखना। और भी कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर उसके बारे में प्रोवाइड करते रहूँगा, इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट है। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।